कार्ड्स वाले होते हैं तो उसके फायदे बता दूं मैं आपको. ही इज 11 इयर्स ओल्ड एंड ही विल बी ड्राइविंग दिस कार. Very good morning to all from this beautiful place. Today we are in Kharshali village and it's a beautiful village yaar, matlab kya batau main. And I hope you will like this aerial shots of this beautiful place. And this was the property we were staying in. So the place we are staying in, the name of this place is Kharshali village. Aur bahut acha gaon hai yaar, matlab aapko dikh raha hoga idhar left side mein ki jo yahan ke purane ghar hote hain na, to unhe matlab properly waise hi rakha gaya purane culture ke hisab se. Ek word hota hai jo ye aap architecture dekh rahe ho na, jo purane purane ghar hai to uske upar jo aap patthar dekh rahe ho, inhe hum pathal kehte hain. To ye unse banaya gaya aur properly maintain kara gaya, main baat ye hai. To bahut acha lagta hai. Baki importance of this village ki jab Yamunotri mata ji ko winters mein niche laya jata hai to unko yahan pe rakha jata hai 6 mahine, and then jab kapat khul jata hai to unhe upar Yamunotri ji mein le jaya jata hai. बाकी हम लोग तो ऊपर जाएंगे नहीं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, यू नो चार धाम यात्रा तो बंद ही हो रखी है और हम सोच रहे हैं यहीं से दर्शन करके जाएंगे क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो यार थोड़ा तो बनता है. बाकी इफ़ यू लाइक द एरियल शॉट देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज यार इस टाइम पर यह है ना कि वर्चुअली कर सकते हैं आप लोग ऐसे दर्शन क्योंकि यात्रा भी खुली नहीं है तो आप लोग ऐसे वर्चुअली दर्शन कर सकते हो एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा ऐसे देख के भी थोड़ा बहुत जो मैं दिखा पाया हूँ. टिल देन एंजॉय द सिनेमैटिक्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. थोड़ी खुशी थोड़ा दर्द थोड़ा गम यही है जिंदगी, यही है जिंदगी. थोड़ा जाम थोड़ा काम थोड़ा आराम यही है जिंदगी, यही है जिंदगी. थोड़ी खुशी थोड़ा दर्द थोड़ा गम यही है जिंदगी, यही है जिंदगी. जाम थोड़ा काम थोड़ा आराम यही है जिंदगी, यही है जिंदगी. मैं तो बस खोना जाऊं कदम को रुकने ना दूं, मैं तो बस चलता जाऊं वक्त को थमने ना दूं. मैं तो बस खोना जाऊं कदम को रुकने ना दूं, मैं तो बस चलता जाऊं वक्त को थमने ना दूं. तो चला चला कहीं दूर ये 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 मैं तो चला चला कहीं दूर ये 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 नहीं कल नहीं आज अभी इस पल को जीना है, जीना है. वो रहा मंदिर इस शाम को कल नहीं आज जीना है. हम ऊपर से जाएंगे. सो राइट नाउ वी आर इन खड़साली विलेज. से ऊपर चढ़ो और यहाँ से रास्ता जाता है मंदिर के लिए जो खड़साली टेम्पल आगे, तो हम पहले वहाँ जाएंगे. उसके बाद हम एक यहाँ पे शनि टेम्पल है जो कि अंकल जी बता रहे थे 500 साल पुराना है, तो वहाँ भी जाएंगे. अब मंदिर पहुँचने वाले हम. पूरे गाँव का रास्ता है, बीचों बीच है. अरे सामने से नीचे दिख रहा है, ये है जानकी चट्टी. हाँ चौक पे रुक रहे हैं. सो
सो गाइज नाउ वी हैव रीच दिस खरसाली टेम्पल और मेरे पीछे देख रहे हो ये खरसाली टेम्पल है और यहाँ पे यमुनोत्री जी को विंटर्स में रखा जाता है 6 महीने और उसके बाद जो 6 महीने जब कपाट खुले रहते हैं तो यमुनोत्री जी को ऊपर ले जाया जाता है और देख रहे हो यार कितना अच्छा आर्किटेक्चर है देखो मंदिर का और आसपास देखो कितनी अच्छी ग्रीनरी हो रही है पहाड़ों पर और विंटर्स में ये पूरी बर्फ़ पड़ी रहती है। अभी तो जुलाई का मंथ है तो थोड़ा सही है, बाकी मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। ये ठंडी दारा है, ऊपर गरम दारा है, नाने का सूर्य कुंड है, जहाँ रोटी बनता है, दाल बनता है, आलू बनता है, स्नान करने का कुंड है, पूरा स्नान होता है, सारी थकान दूर हो जाती है। तो यमुना जी ने कहा कि 6 महीने मई का यहाँ पे है, यहाँ पे मई का है माता जी का, तो यहाँ पे रहती है माता जी 6 महीने। जिनकी कोई मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है, कोई भी चीज़ मांगो आपसे। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए और यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा पीक पॉइंट टाइप का दिख रहा था जहाँ से पूरा नीचे दिख रहा है और मेरे पीछे ये जो देख रहे हो ये जान की चट्टी है, ये देखो तो अभी का प्लान ये है कि हम नीचे जाएंगे जान की चट्टी पे, ये दिख रहा जो तो यहाँ से रास्ता देखो यहाँ से फिर यहाँ ब्रिज से होके हमने इधर जाना है और ये जो एरिया देख रहे हो आप दिस इज़ जान की चट्टी और हम यहाँ जाएंगे नीचे और पता करेंगे कि अगर खुला हो अगर इन केस 1% अगर भेज दें तो अच्छी बात है, नहीं भेजा तो कोई नहीं, यहाँ तक आए तो वो भी एक अचीवमेंट है। तो चलो नीचे चलते हैं हम जान की चट्टी के साइड, चलो चलो। ये सामने देख रहे हो आप ये यमुना बह रही है और ये पूरे आगे जा रही है और कलर देखो कलर, यमुना आगे जाते जाते क्या हो जाती है यार। एक लकड़ी वाला पुल भी उधर दिख रहा होगा लेकिन हम उस पर गए नहीं क्योंकि कोई है नहीं। सामने ऊपर कालिंगी पर्वत भी दिख रहा है, यहाँ से मैं दिखाऊंगा फ़ोन से रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, कालिंगी पर्वत दिख रहा है यहाँ से ऊपर, देखो गोप्रो में दिखाता हूँ, यहाँ बीच में है, यहाँ पे बीच में तो गाइस अपडेट ये है कि खुशी खुशी गए हम ऊपर, हमको लगा जाने देंगे लेकिन चौकी तक गए तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि मतलब किसी को भी नहीं जाने दे रहे, जो यहाँ के मतलब लोकल लोग हैं तो उनको भी नहीं जाने दे रहे तो वैसे भी कहाँ जाने देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से गाइडलाइन आनी थी तो उसमें ये लिख रखा था कि 7 तारीख के बाद मतलब नई गाइडलाइन आई है शायद ओपन हो जाएगा, बट ओपन नहीं हुआ और अब 27 तक बंद है, 27 जुलाई तक। अब चलते हैं नीचे, यात्रा के टाइम की भीड़ रहती है ना, आप इस टाइम देखो कैसा खाली हो रखा है। यमुनोत्री 5 किलोमीटर, जानकी चट्टी 0 किलोमीटर। गाइस राइट नाउ वी आर एट खरसाली पुल और ये ब्रिज जो है कनेक्ट करता है आपका जान की चट्टी को और खरसाली से कनेक्ट करता है जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो यहाँ नीचे जब भी आप अगर किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हो तो जो नीचे पार्किंग दिख रही है यहाँ पे पार्किंग है, तो यहाँ पे आपकी गाड़ियाँ वगैरह पार्क होंगी और फिर यहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है अभी के लिए 5 किलोमीटर का यमुनोत्री के लिए और पूरा पैदल रास्ता आगे और ऊपर जो दिख रही है कालिंदी पर्वत और बंदर पूंछ भी दिख रहे हैं यहाँ से और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं फोटो भी प्रोवाइड करा दूंगा। And it was a great experience coming here and it was worth. और कुत्ता देखो कितना बड़ा कुत्ता है। कितना बड़ा कुत्ता
शनि महाराज जो है माँ यमुना के जो है भाई है, ये आपस में भाई भाई हैं। तो शनि महाराज का बहुत 5 वर्ष पुराना टेम्पल भी है, इसी विलेज में है, 500 वर्ष पुराना टेम्पल है कि जो कि मतलब इतना भव्य और सुंदर है, उसकी जो कलाकृति है मतलब वो मतलब अपने में ऐतिहासिक है। 1992 यहाँ इतना विनाशकारी दृष्टिकोण प्रकाश में भूकंप आया था, तो बड़े बड़े ब्रिज जो है ना डिस्मेंटल हो गए थे, पर लेकिन उसको 1 सेंटीमीटर का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भाई 500 साल पुराना 5 मंजिला गोप्रो में दिख भी नहीं रहा, लेकिन भाई 5 फ्लोर है इस पे, इतना ऊपर है। चलें। सो गाइस वी आर नाउ वे बैक टू आवर होम, और हमें रास्ते में दिखा एक वाटरफॉल, बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है, बट ट्रस्ट मी यू विल वाइब वॉचिंग दिस वन।